हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है। देखिए, एक्सेल में काफी कंफ्यूजिंग ये चीज रहती है जब भी आप एक्सेल को यूज करते हैं, तो ठीक है, आपके साथ भी ये दिक्कत तो होती ही होगी, क्योंकि आप भी ये जरूर सोचते होंगे कि आखिरकार एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला इज इक्वल टू के निशान से ही क्यों शुरू होता है। ठीक है, क्यों नहीं प्लस के निशान से हो सकता है? तो बात तो सही है, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसी को पूरा देखेंगे। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं कि तीन बार प्राइस लिखा गया, प्राइस वन, प्राइस टू, प्राइस थ्री। अब हम पहली बार में, अब चलिए यहां पर हम प्लस लगा के फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फॉर्मूला प्लस लगा करके क्यों नहीं स्टार्ट हो सकता है, यह पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पर लगाया हमने प्लस, ठीक है, और यहां लगाते हैं सम का फॉर्मूला, तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला तो स्टार्ट हो गया हमारा। लेकिन अभी हम यहां से इसको ऐड करेंगे, तो सबको सेलेक्ट करेंगे और यहां एंटर प्रेस करेंगे, तो एडिशन हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब इसको डबल क्लिक करके यहां से ड्रैग कर लेते हैं, ये यहां से डबल क्लिक किया और ये नीचे ड्रैग करेंगे तो ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब यहां पर इज इक्वल टू लगा के हम लगा लेते हैं, दोनों तरीकों से देख लेते हैं। तो इन्हीं तीनों को हमने सेलेक्ट किया था, अब एंटर करेंगे तो यहां पर भी सेम रिजल्ट। तो देख सकते हैं, अब दोनों को एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट करता हूं, दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पर इसे येलो कलर से कर दिया है, ये प्लस वाला है, ऊपर मैं प्लस लिख भी देता हूं। ठीक है, और यहां पर इसे एक डिफरेंट कलर से कर देता हूं, इक्वल लिख देता हूं, इक्वल। ठीक है, और इसे कर देता हूं एक डिफरेंट कलर से, तो ये हो गया। अब यहां से जाकर के और ये इस तरीके से ये हमने कर दिया। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे यहां पर एनालिसिस करते हैं, ये है प्लस वाला। तो यहां पर देखिए, ये प्लस जो है यहां लगा हुआ है, लेकिन इसके पहले इक्वल टू आ गया। हालांकि हमने फॉर्मूला कैसे स्टार्ट किया था, सिर्फ और सिर्फ क्या लगा के स्टार्ट किया था, प्लस, लेकिन इक्वल टू ऑटोमेटिकली इसमें आ गया। ठीक है, लेकिन यहां पर देखते हैं, जो इक्वल टू लगा के स्टार्ट किया, यहां पर कोई भी प्लस नहीं आया हुआ है, सिर्फ इक्वल टू ही दिया गया है। तो बेकार में प्लस लगाने का क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसीलिए फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होता है, प्लस से स्टार्ट नहीं होता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि फॉर्मूला कैसे स्टार्ट होता है, तो प्लस से नहीं, इक्वल टू से स्टार्ट होता है। भले ही दोनों ही चीजें आपको एक ही बटन पर मिल जाती है, लेकिन फॉर्मूला स्टार्ट होगा किससे, प्लस से। ठीक है ना, ओके।